हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जून फर्स्ट शिफ्ट, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं, 100% रियल क्वेश्चंस है। तो चलिए जानते हैं कि आज 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। वैसे तो गोदावरी है, इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर गोदावरी है। लेकिन और भी आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरेबियन सी में गिरती है। तो गंगा नदी है, ये बैग ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब महासागर में गिरती हैं जो, वो इंडस है। ठीक है, यहाँ पे आपका गोदावरी जो है ये आंसर हो जाएगा। और जो आपका अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी है, नर्मदा, तापी, पेरियार, साबरमती, माही, पूर्णा, कुछ नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती है। भारत में किस राज्य में अधिकतम परसेंटेज वन है? तो मैक्सिमम परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? ये क्वेश्चन आया था आज आपके एग्जाम में। आज का पेपर लगभग इजी था और के शिफ्ट के मुकाबले, तो आज का पेपर इजी था आप लोग कह सकते हैं। तो ये भूटान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थिम्पू भूटान की राजधानी। फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से। भारत में सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारी कमीशन कब फॉर्म किया गया था? 1983 में फॉर्म किया गया था सरकारी कमीशन। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 का विजेता कौन था? डेनिल रिकार्डो थे, ये एग्जाम में पूछा गया था। कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंडरिया महादेव मंदिर खाजुराहो के विलेज में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक्स में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो कार्स्टेन वालहोम ने ये रिकॉर्ड बनाया है 400 मीटर दौड़ में। देखिए, हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का रामबाण लेकर आए हैं, लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहेगा। सारी चीजें, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं आर्टिकल से, वो सब चीजें यहाँ पर कवर करी गई हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा इस बुक का, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैं टिक भी लगा दूंगा। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बुक का प्राइस 59 है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा कि हर जगह आपको एक ही चीज मिल जाए सारी चीजें। तो ये आपके आगे वाले एग्जाम में भी हेल्प करेगा और इसमें तो करेगा ही करेगा। आशा भोसले को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। पूछा गया था कि थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर से संबंधित है। व्यास सम्मान किस वर्ष से दिया जाता है? व्यास सम्मान कब शुरू किया गया था? सन 1991 से शुरू किया गया था व्यास सम्मान। ये सब मैं आपको करा चुका अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक में, ये भी मैंने कराया था मिनरल्स के टॉपिक में, आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं आप लोग। कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये गलत हो गया है, इसको आप लोग मध्य प्रदेश कर लीजिएगा, एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंगनीज पाया जाता है, ओके, इसको एमपी कर लीजिएगा। स्वेज नहर किस दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज कैनाल जॉइंस विच टू रिवर, विच टू सी, तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों को जोड़ती है स्वेज कैनाल। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा था, बच्चे बता रहे थे, आप लोग बताइएगा सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मनरेगा का। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, क्वेश्चन आया था। प्रेसिडेंट कैन समन और डिसॉल्व पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड है 85 आर्टिकल। सिन्हाला किस देश की प्रमुख भाषा है, पूछा गया था, तो ये श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। अगस्त 2021 में आईसीसी प्लेयर मैन ऑफ द प्लेयर किसको दिया गया था? तो ये जो रूट है, जो इंग्लैंड के हैं, इनको दिया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैन अगस्त में। हु इश्यूज हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षकरण कौन जारी करता है? तो दोनों हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं।
पूछा गया था अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिनियल नहीं है, पेरिनियल है जो हमेशा बहती रहती है। देखिए कौन सी पेरिनियल नदी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो ये तीनों पेरिनियल नदी है, लेकिन एक कृष्णा नदी है कि जो बारहमासी नहीं बहती है, तो इसको आप नॉन पेरिनियल कर लीजिएगा। कृष्ण देव राय किस वंश के थे? कृष्ण देव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो वो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंडू का शॉर्टकट की बता रहे थे बच्चे, तो कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा अंडू का शॉर्टकट की। काली मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है? तो ये आपको ऑप्शन से करना था, बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे मेन है कॉटन और वीट। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की 31 मार्च 1876 में की गई थी। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे। पूछा गया था कि फेमस गिटार वाद्य कौन था? तो ये आप बहुत सारे हैं वाद्य गिटार के, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना था। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है, इतने क्वेश्चन मिले थे। बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आप एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू, जिनका आगे वाले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।